नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झाबालिया। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर स्कूल के बारे में जानकारी हासिल करने की उन्होंने कोशिश की, तो इसीलिए आज का वीडियो स्कूल पर है। मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए स्कूल के बारे में जानकारी दूंगी कि आखिर स्कूल को लेकर राज्य सरकारें क्या कुछ फैसला लेने जा रही है। दरअसल सबसे पहले बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली को लेकर, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है कि क्या केजरीवाल सरकार स्कूल खोलने जा रही है या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी स्कूल को लेकर भी जिक्र किया गया था और SOP जारी किया गया था और कहा गया था कि आप अपने स्तर से देखिए किस तरीके से स्कूल खुल सकते हैं या नहीं खुल सकते हैं, तो इसी पर हमने देखा कि कई राज्य सरकारें जो हैं वो रेडी हो गई स्कूल खोलने को लेकर, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, यहाँ की सरकारों ने फैसला लिया कि हम स्कूल खोलेंगे। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार अभी भी तैयार नहीं है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब तक अगला आदेश सरकार की तरफ से नहीं आ जाता है तब तक दिल्ली में स्कूल नहीं खुलने जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि दिल्ली में केसेस जो है कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ की सरकार ने फिलहाल स्कूल को नहीं खोलने का फैसला किया है। इसी बीच कई लोगों के सवाल ये भी आ रहे हैं कि भाई बच्चे जो है वो कैसे अब पढ़ाई करें, क्योंकि कई लोग इस फेवर में हैं कि स्कूल को खुलना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने ये सवाल उठाया है कि आखिर जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो सुविधाएं नहीं है, आखिर वो कैसे पढ़ाई करें, तो इसी बीच अच्छी खबर मैं आपको ये भी दे देती हूँ कि ASER की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि इस कोविड के दौरान ही यानी कि 6 महीने के पीरियड में ही 30 से लेकर 60% बच्चों के पास जो स्मार्टफोन है वो बढ़े हैं, यानी कि बच्चों के पास उपलब्धता स्मार्टफोन की बढ़ी है। और इससे हम इस बात को लेकर संतुष्ट हो सकते हैं कि जिन बच्चों के पास फोन नहीं था या फिर जो ऑनलाइन सुविधा नहीं प्राप्त कर पा रहे थे पढ़ाई को लेकर, वो पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक वो राज्य जहाँ स्मार्टफोन धारक परिवार वाले बच्चों के अनुपात में 30% से अधिक वृद्धि हुई है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और त्रिपुरा भी इसमें शामिल है। और इसी रिसर्च में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका अध्ययन किया गया है और इसी के दौरान 52,227 परिवारों और 5 से 16 साल के आयु वर्ग के जो 59,251 बच्चे हैं और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनमें 8,963 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्राचार्यों से संपर्क साधा गया, जिसके बाद ये जानकारी मिली है कि 30% का इजाफा हुआ है। और ये रिपोर्ट बताती है कि इस 6 महीने के दौरान बच्चों के पास स्मार्टफोन अवेलेबल हुए हैं, तो ये अच्छी जानकारी है। इसी बीच जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि स्कूल कहाँ पर खुलने जा रहे हैं, कहाँ पर नहीं खुलने जा रहे हैं, तो झारखंड में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर राज्य सरकार ने अभी तक कोई फैसला जो है वो नहीं लिया है। कई तारीखों की चर्चा चल रही थी कि इस तारीख से स्कूल खुल सकते हैं, उस तारीख से स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर कोई भी क्लियर सरकार ने अभी तक अपना स्टैंड नहीं रखा है। फिलहाल सरकार इस पर विचार कर रही है और साथ ही सरकार का ये भी कहना है कि छात्रों को खतरे में डालना हमारी मंशा नहीं है। अभिभावकों से लगातार संपर्क साधा जा रहा है, उनसे बातचीत चल रही है और फिलहाल जो है शिक्षा जगत के लोगों से राय लेने के बाद ही स्कूलों को 31 अक्टूबर से खोलने का फैसला जो है ऐसा लग रहा था, लेकिन 31 अक्टूबर तक फिलहाल जो है स्कूल नहीं खुलने जा रहे हैं। अन्य राज्यों की बात कर लेते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में 2 नवंबर से स्कूल खोले जाएंगे ऐसी चर्चा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सूबे में कोरोना की स्थिति को देखते हुए फिलहाल स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। मेघालय की बात करें तो यहाँ पर सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को केवल कंसल्टेशन, यानी कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप स्कूल जाकर अपने टीचर से सलाह मशवरा कर सकते हैं।
तो इसके लिए परमिशन कई सरकारों ने दे रखी है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार ने स्टैंडर्ड 6 से लेकर 9 तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल सकती है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड सहित कई स्कूल जो है इस पर विचार कर रहे हैं। जैसे कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी ये चल रहा है कि सरकार ने फैसला ले लिया है 2 नवंबर से स्कूल को खोलने का, लेकिन जो स्कूल प्रबंधन है वो इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहा है कि हम पूरे तरीके से बच्चे की देखरेख की हम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे नियम बनाए गए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से जिस पर आपत्ति जताई है, स्कूल प्रबंधन की तरफ से। तो अब देखना होगा कि क्या इसमें रोल बैक होता है, क्या सरकार इस पर किसी तरीके से अन्य फैसले लेती है या फिर नहीं। तो ये यानी कि तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। जो पेरेंट्स हैं वो भी खुश नहीं है अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर, पेरेंट्स भी चिंतित हैं अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर। पेरेंट्स का कहना है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों की हेल्थ, हमारे बच्चों की सुरक्षा, तो इसीलिए हम अभी फिलहाल इसके लिए रेडी नहीं हैं कि हम अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। फिलहाल जिस तरह से सरकार फैसले ले रही है, राज्य सरकारें, अब देखना होगा आगे आने वाले दिनों में और किस तरह से तस्वीरें जो है वो साफ होती नजर आती है, क्योंकि अभी कहीं पर चर्चा चल रही है तो कहीं पर मंथन चल रहा है, कहीं पर पेरेंट्स से परमिशन ली जा रही है, कहीं पर राय पूछी जा रही है। तो इसीलिए अभी फिलहाल कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि फिलहाल अभी स्कूल दिल्ली के अंदर नहीं खुलने जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से मैंने आपको बता दिया इस मामले को लेकर, जो कि आप लोगों की क्वेरीज थी। अगर आपके जहन में कोई भी और सवाल है इसे लेकर तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि और आप क्या जानना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, ना सिर्फ इस पूरे मुद्दे को लेकर बल्कि और भी कई मुद्दों को लेकर। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। नमस्कार।